नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल पाटिल आप सभी का दी ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि भारत अपनी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब तीसरे पायदान पर आ चुका है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से एशेज टेस्ट मैच जीतने के वजह से ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में 119 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग में एक नंबर के पायदान पर चली गई है, जबकि भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से सीरीज हारने के वजह से भारत की पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग कम हो चुकी है और इसी के साथ भारत अब पॉइंट्स टेबल में 3 रैंक पर है। आपको बता दें कि इंग्लैंड अब पॉइंट्स टेबल में 4 स्थान पर आ चुकी है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन रहने वाली न्यूजीलैंड अब 2 स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत अब 2017 से जबकि 2021 तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पे था, वह अब उसकी पायदान रैंकिंग गिरा चुका कर 3 स्थान पर आ चुका है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 1-1 के साथ अपने घरेलू मैदान पर सीरीज बराबर करने की वजह से और भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट हारने के वजह से यह सब हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ जीतने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में 5 स्थान पर आ चुका है, जबकि पाकिस्तान 6 स्थान पर और श्रीलंका 7 पायदान पर है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के टेस्ट के कैप्टन विराट कोहली साउथ अफ्रीका में अपना आखिरी टेस्ट मैच एज कैप्टन खेल चुके हैं। भारत इससे पहले जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के टेस्ट के कप्तान हुआ करते थे, तब टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ चुका था। पिछले साल भारत कुल 14 टेस्ट मुकाबले खेला, जिसमें कि 8 टेस्ट मैचेस में जीत, 8 टेस्ट मैचेस में जीत और 3 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। अब भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 3 स्थान पर आ चुका है। इसी के साथ और भी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ऑटरिंग चैनल। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।